नमस्कार। किसान आत्महत्या, हजारों लड़कियां लापता, जहां विपक्ष मजबूत वहां हो रहे दंगे। शरद पवार ने की मोदी सरकार की आलोचना। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने बुधवार को अलग अलग मुद्दे पर बीजेपी पर जोरदार हमले किए। उन्होंने आंकड़ा बताते हुए कहा कि पिछले 5 महीने में 400 किसानों ने आत्महत्या की, 3200 लड़कियां राज्य से अलग अलग हिस्सों में गायब हो गई। उन्होंने कहा कि जहां जहां सत्ताधारी मजबूत है वहां वहां दंगे हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति गंभीर है। देश के जिन ठिकानों पर सत्ताधारी पार्टी की ताकत नहीं, उन्हीं ठिकानों पर दंगे हो रहे हैं। एनसीपी कांग्रेस के 25वें स्थापना दिवस के मौके पर मुंबई में एक खास कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसी कार्यक्रम में शरद पवार ने यह बयान दिया। शरद पवार ने केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार पर जोरदार प्रहार किया। शरद पवार ने कहा, पीएम मोदी ने कहा था कि हम 3 सालों में किसानों का उत्पादन दोगुना कर देंगे, लेकिन पिछले 5 महीनों में राज्य में 400 किसानों ने आत्महत्या की, यह अच्छी चीज नहीं है। धन्यवाद।